कैसे किसान है? किसान तो कौन किसान? गुंडा है, गुंडा है, कैसे गुंडा है? किसान ऐसा कर ही नहीं सकता। किसान खेत में है, वो पसीना बहाता, वो किसी का खून नहीं बहाता, वो अपना पसीना बहाता है। ये सरकारी गुंडे है। दी सरकार दे प्रयोजित गुंडागर्दी है। ये लोकतंत्र दे नां दे उते, लोकतंत्र दे उते डाका है। चुनाव करांदा की चाहिया? जेकर एक पॉलिटिकल पार्टी दा स्टेट प्रेजिडेंट अपनी पार्टी दे प्रचार करन लई नहीं आ पांदा, ये पुलिस दे पूरा फेल्यूर है, डीजीपी दा फेल्यूर है। मेरे सभा स्थल तक, वो गेट तक आए किदां? केड़े लोग दोषी ने? उन्हां दे हाथ लोहे दे राड़ कितना आ गए? किसान खेत च पसीना बनांदा है, लोहे दे राड़ दे नाल, पत्थरां दे नाल हमला नहीं करता, और मात्र ये कह देना बाद च कि वह शरारती तत्व सी। किसान संगठन भी इस जिम्मेवारी तो बच नहीं सकते है, उन्होंने भी सोचना पेगा कि हर बारी ये कह के नहीं बचा जा सकता। ये गुंडागर्दी है पुलिस की पूरी तरह नाल, लोकतंत्र की हत्या हो रही है पंजाब के अंदर। स्थानीय निकाय चोणां जिहड़ियां लुटना चाहती है सरकार, ना कराए चोन, सीधी नोमीनेशन कर लेना। जे उस कैंडीडेट नूं सुरक्षा नहीं दे सकती, पार्टी दे प्रधान नूं सुरक्षा नहीं दे सकती, कैंडीडेट अपना प्रचार नहीं कर सकते, अपना जुलूस नहीं कर सकते, अपनियां सभा नहीं कर सकते, तो फिर कैदा चुनाव है? अरे आश्वासन क्या लेना उनसे? मैंने उनको बोला कि ये पुलिस पुलिस हटाओ, मरवाना बताओ कहाँ चले, क्यों पंजाब का अमन ते शांति भंग करना चाहते हो?